तानहा से उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो लगातार जो नतीजे आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। इससे पहले तक आप रुझान नीचे अपनी टैली में देख रहे हैं, तो वहीं बादली सीट से भी कुलदीप वत्स जीत चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो लगातार ये दूसरी जीत कांग्रेस की झोली में, और जीत का आंकड़ा कांग्रेस का अब 16 का हो चुका है। कुलदीप वत्स बादली सीट से जीत चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लगातार अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर बेरी विधानसभा सीट से अगर बात करें तो रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस उम्मीदवार बेरी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ये तीसरी जीत लगातार कांग्रेस की झोली में। हालांकि जश्न बीजेपी के दफ्तर में मनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो तीन नतीजे निकल कर आए, तीनों के तीनों कांग्रेस की झोली में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी ट्वीट सामने आया, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा की सेवा को तैयार, ऐसा उन्होंने लिखा है। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सेवा को तैयार है, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और अपनी सीट जीत चुके हैं और काफी आश्वस्त जीत को लेकर नजर आ रहे हैं। टैली पर भी अगर आप साथ साथ नजर दौड़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि 16 सीटें इस वक्त कांग्रेस की झोली में और 18 बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। और आपको सीधे लिए चलते हैं जहां कश्मीर में इस वक्त महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एकतरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। तो आस्क एनीथिंग प्लीज। मैडम, पीडीपी 2014 में 28 सीटें जी जी जी, और 2024 में 3 सीटें जी जी, क्या कहेंगे? 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है, आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जमहूरियत में तो यही होता रहता है। मुझे लगता है कि लोग जाते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है, अब क्या हुआ, पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। मैम, आपने कहा आपके बगैर यहाँ पर सेक्युलर सरकार नहीं बनेगी, तो आप क्या लग रहा है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी, मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए, ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो एक गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एक तरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट देंगे। उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। मैम, बहुमत का आंकड़ा चूंकि 48 हो जाएगा, ऐसे में अभी तो पीडीपी के लिए निराश करने वाले परिणाम आए हैं। हरियाणा का रुख करेंगे गुड़गांव से, मुकेश शर्मा जीत गए। बीजेपी के लिए गुड़गांव से एक बड़ी खुशखबरी है मुकेश शर्मा, और यहां पर नाराजगी मोल ली थी पार्टी ने, नवीन गोयल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे, लेकिन गुड़गांव विधानसभा सीट से ये जो सायन आपको सुनाई दे रहा है, ये चुनावी जीत का बिगुल आप समझिएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुकेश शर्मा गुड़गांव विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, और उधर कृष्णा गहलावत राय से जीती है, बीजेपी की उम्मीदवार है कृष्णा गहलावत राय, जहां से मौजूदा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली पिछली बार चुनाव जीतकर आए थे, इस बार चुनाव लड़ने से मना किया, तो कृष्णा गहलावत पर। और अगर के खाते में पहली जीत, देवेंद्र कादियान सुबह से ही गन्नौर विधानसभा सीट से लगातार लीड बनाए हुए थे, आश्वस्त अपनी जीत को लेकर, बीजेपी के बागी हैं ये भी और जीत दर्ज कर चुके हैं, रुझानों में सरकार बीजेपी बना चुकी है, और ऐसे में ये साफ तय है कि देवेंद्र कादियान भी
बीजेपी की ही तरफ जाएंगे। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी देवेंद्र हंसगुला से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं। इनका भी कोई तोड़ नहीं था, लेकिन कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर फिलहाल नजर आ रही है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे कि कहां पर क्या चुनाव परिणाम है, क्या रुझान है। गुला से देवेंद्र हंस है जो जीत चुके हैं उम्मीदवार गुला विधानसभा सीट से, और तस्वीरें आप बदलते रहिएगा, बताते रहेंगे दर्शकों को क्या रुझान है, क्या परिणाम है। अब रुझानों से आगे बात जीत हार की तरफ। मुलाना से ये फोटो गलत है, कांग्रेस की तरफ से पूजा चौधरी यहां से, वरुण मुलाना की धर्म पत्नी है, वो चुनाव मैदान में थी। पूजा उनकी तस्वीर यहां पर लगाएंगे, लेकिन मुलाना कांग्रेस के खाते में गई है क्योंकि उनके पति लोकसभा चुनाव में खड़े हुए अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। तो यहां से कांग्रेस के लिए जीत वरुण मुलाना की धर्म पत्नी पूजा ने जीत दर्ज की है, और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ा उलटफेर एग्जिट पोल से बिल्कुल इतर यहां पर नजर आया कि एग्जिट पोल बिल्कुल नहीं था। जो दावे किए जा रहे थे वो दावे हवाई कांग्रेस के साबित हुए। और जुलाना विधानसभा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जैसे दावे किए जा रहे थे कि बहुत भारी मतों के साथ वो जीत दर्ज करेंगी, वैसा नजर नहीं आया। इसके पीछे आपको वजह भी मालूम होगी कि कांग्रेस की तरफ से हवा का जिक्र तो बार बार किया जा रहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन वो आंकड़े जो जादुई आंकड़ा है वहां तक कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में जुराना विधानसभा सीट जिस पर पूरे देश की विदेश की नजरें टिकी हुई थी, वहां बहुत कम मार्जिन से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है, जबकि कहा जा रहा था 40 से 50 हजार तक के मतों की जीत यहां पर विनेश फोगाट दर्ज करेंगी। 90 विधानसभा सीटें आपको दिखा रहे हैं, इन सीटों को लेकर जो अभी परिणाम सामने आए हैं, पहला रुझान हो, पहला परिणाम हो, लगातार सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 आपको पल पल की जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से अब सरकार को लेकर तस्वीर हरियाणा में साफ होती हुई। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, इतिहास रच रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा हरियाणा की चुनावी राजनीति में आज तक नहीं हुआ कि लगातार कोई राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज हो, लेकिन इस बार इतिहास रचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो आंकड़ा है टैली आपको दिखा रहे, रुझानों में 48 सीटें कांग्रेस, 37 सीटें जेजेपी, खाता नहीं खोल पाई, चाबी कहीं गुम या ताला गुम, ये देखना होगा। एनएलडी प्लस बीएसपी, यहां 2 सीटें इलाहाबाद में झटका एनएलडी के लिए, बीएसपी के लिए आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। वहीं आदर्श की बात करें, गन्नौर से 1 सीट देवेंद्र कादियान जीत चुके हैं और 3 पर अभी आदर्श आगे हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आदर्श पर जरा एक बार नजर डालें, कौन सी वो सीटें हैं जहां पर निर्दलीय अभी फिलहाल लीड में नजर आ रहे हैं। क्या हलोपा की एक सीट सिरसा यहां पर है जिस पर सभी की नजरें हैं। वहीं कांग्रेस के लिए आज बहुत मायूसी हाथ लगी है। कांग्रेस के लिए मायूसी इसलिए क्योंकि प्रचंड बहुमत की उम्मीद थी, लगा था कि हवा है। बार बार रैलियों के मंच से कहा गया कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही, स्पष्ट बहुमत होगा, हवा होगी, 70 से ज्यादा सीटों के साथ हम सत्ता का सूखा खत्म करेंगे। लेकिन आज अभी तक जो परिणाम आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। हवा तो नजर नहीं आ रही, और जो खेमे में मायूसी थी बीजेपी के, अब क्योंकि दिन ढलने की तरफ जा रहा है तो वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। कांग्रेस के खेमे बहुत जल्दबाजी में सुबह ढोल नगाड़े की थाप सुनाई दी, नाचने लगे, झूमने लगे समर्थक कार्यकर्ता, लड्डू बांटने लगे, जलेबियां खिलाई जा रही थी। लेकिन अब वहां पर थोड़ी शांति है, मायूसी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर नहीं आ रहे। सुबह हम बॉडी लैंग्वेज की बार बार बात कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज कह रहे कि अभी जो रुझान है वही परिणाम भी होंगे, और कुछ कुछ तस्वीर वैसी ही। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ये लगातार दावा कर रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी है, 8 तारीख को देखिएगा, पिक्चर अभी बाकी है। एक बार फिर से मैं, और ये बड़ी जीत है विपुल गोयल के फरीदाबाद से। विपुल गोयल जिनको पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं फरीदाबाद से। विपुल गोयल यहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कह सकते कांटे का मुकाबला था, लेकिन अब हवा लग रही है कि बीजेपी की हवा थी, अंडरकरंट था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जनता चुनाव लड़ रही है, मन बना चुकी है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन यहां तो लग रहा कि कांग्रेस का आना था ही नहीं। और इंदुराज नरवाल जीत गए हैं बड़ौदा से, ये नाम गलत है, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल जीत चुके हैं। यहां पर
कपूर नरवाल जो थे कांग्रेस के ही बागी, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इंदुराज नरवाल जिनको भालू कहा जाता है वो चुनाव जीत गए हैं। कुछ और अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे कि कौन सी सीट पर चुनाव परिणाम आया है, कहां पर रुझान आए हैं। अभी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, संशय के बादल छंट चुके हैं। अगर अभी भी किसी को संशय है तो यह गलतफहमी होगी। बीजेपी 48 सीटों पर रुझानों में सरकार बना रही है, यह बहुमत के आंकड़े से भी 2 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस 37, जेजेपी 0, सुबह से ही 0 है, कहीं पर लीड लेती हुई नजर नहीं आई जेजेपी जननायक जनता पार्टी। एनएलडी 2 सीटों पर आगे है बसपा के साथ इस बार गठबंधन, लेकिन इलाहाबाद पर झटका एनएलडी के लिए। बीएसपी के लिए रानिया सीट जहां से अर्जुन चौटाला आगे हैं। बता दें जम्मू कश्मीर के हवाले से उमर अब्दुल्ला गांधरबल से जीत चुके हैं। गांधरबल से उम्मीद भी जताई जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैस्टियन है और वहां से वो जीत दर्ज कर चुके हैं उमर अब्दुल्ला। हालांकि 2 जगहों से लड़ रहे उन्होंने चुनाव लड़ा गांधरबल और बड़गाम की सीट से, लेकिन गांधरबल से उमर अब्दुल्ला को जीत दर्ज मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के लिए जम्मू कश्मीर के हवाले से काफी खुशी की खबर है। उमर अब्दुल्ला जो है गांधरबल से जीत चुके हैं, हालांकि उतना सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन गांधरबल से उमर अब्दुल्ला जीत चुके हैं। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हुआ था। मियां महर अली कंगन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जीत चुके हैं। मियां महर अली कंगन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीत दर्ज कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रहा है। वजह यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस जो है हमें पूरी तैयार दिख रही है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट, जिसकी महबूबा मुफ्ती बात करी थी। निजामुद्दीन भट्ट बांडीपुरा से कांग्रेस लीडर जीत दर्ज कर चुके हैं। निजामुद्दीन भट्ट बांडीपुरा से आपको बता दें कांग्रेस के लीडर है, जीत दर्ज कर चुके हैं। तो वही जो कश्मीर डिवीजन की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजरली हमें जीती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस जो है बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बांदीपुरा से निजामुद्दीन भट्ट ने जीत दर्ज कर ली है। देखिये मुनिजा, निजामुद्दीन भट्ट पीडीपी में भी रह चुके हैं और अभी कुछ देर पहले तक ये ट्रेल कर रहे थे वहां पर। उस्मान मजीद जो पहले कांग्रेस में थे, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, वो लीड कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया तो निजामुद्दीन भट्ट जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है, कुछ ही सीटों पे रिजल्ट आना बाकी रहा है और ये साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो बनेगी। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी कुलगाम से जीत दर्ज कर चुके हैं सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी। इनके लिए सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस ने छोड़ दी थी और उम्मीद भी जताई जा रही थी कि यूसुफ तारेगामी जो ये सीट पर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि एक वक्त था जब जमात इस्लामी का वहां पर अच्छा खासा होल्ड रहा था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे वहां से मैदान में, लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने जीत दर्ज कर ली है। सोनी जी, देखिए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो हैं एक काफ़ी सीनियर लीडर हैं सीपीआईएम के, वहाँ पर ये कई सालों से कई इलेक्शंस में जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं और ये भी गुपकार अलायंस जो बना था, अगर आपको याद होगा जब धारा 370 को हटाने का की बात चल रही थी सारी कश्मीर में। वही हसनैन मसूदी पामपोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हसनैन मसूदी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। उमर आपको इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। एक तो मेरा निवेदन है कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, जो मेरे पास खबर है वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस के मेजोरिटी में हुई है डेटा अपडेट। बहुत सारी सीटें हैं, जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की, जैसे चट्ठा साहब है, शैली है, रामगण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर में हैं, जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गद्दे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड में जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है बेटा इलेक्शन कमीशन में और कई जगह काउंटिंग रिपोर्ट की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप में डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है सर। आप इतने सीनियर
इतना शांत और भाई शांत रहो सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक, आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की वो भी है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है, कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, डाटा अपडेट कराने के लिए डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के, इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। इलेक्शन कमीशन ने सरकार आ रही है, आपको क्या सुना है? सुनानी है आपको, मैंने कहता है थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपना चुनाव जीत चुके हैं गढ़ी सांपला किलोई से, उनकी पारंपरिक सीट है, यहां से लगातार विधायक बनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका बयान बहुत मायने रखता है। जब 23-23 सीटों पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों 23-23 सीटें जीत चुके हैं, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आकर ये दावा कर रहे थे कि डटे रहें, अपने समर्थकों से कार्यकर्ताओं से कहते कि डटे रहें, कहीं जाए नहीं, जीत हमारी होगी, सरकार कांग्रेस बना रही है, हम सरकार बना रहे हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, विधानसभा सीटें हैं, काउंटिंग सेंटर में जहां 10 राउंड 11 राउंड के बाद काउंटिंग को रोक दिया गया है, इस वजह से अभी परिणाम नहीं आ रहा, बहुत सारी सीटों के नाम गिनवाए, चाहे थानेसर की सीट हो, झज्जर की सीट हो, उन्होंने कहा कि यहां पर काउंटिंग रोक दी गई है, जहां मजबूत उम्मीदवार उनकी पार्टी के हैं, चाहे अशोक अरोड़ा हो या गीता भुक्कल हो, इन सीटों को लेकर रोहतक सीट का भी जिक्र किया, रोहतक शहर में कहा कि काउंटिंग रोक दी गई है 10-11 राउंड के बाद, जहां पर बीबी बत्रा चुनाव मैदान में मनीष ग्रोवर के साथ सीधा कांटे का मुकाबला एक बार फिर से बीबी बत्रा के साथ है। तो अपने आप में ये बड़ा दावा है, जो रुझान अभी हम आपको टी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर इन रुझानों से परे जीत की बात करेंगे तो 23 अब 24 हो गई बीजेपी, 26 कांग्रेस हो गई है, 24-26 कोई ज्यादा फासला है नहीं, बहुमत का आंकड़ा 46 है, यानी जिसके पास ये जादुई नंबर होगा बहुमत का, 46 विधानसभा सीटों पर अगर उम्मीदवार किसी पार्टी के जीत जाते हैं तो उसकी सरकार बनेगी। बीजेपी ये दावा करेगी प्रचंड बहुमत के साथ हम सत्ता में फिर से आ रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाते हुए, इतिहास रचते हुए, लेकिन कांग्रेस के जो हम देख रहे थे हौसले अभी पस्त हो गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सामने एक बार फिर आकर हौसला बढ़ाने की कोशिश जरूर की है, अभी उम्मीदें जिंदा है कांग्रेस की। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह कि वो अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं काउंटिंग सेंटर से, जो एजेंट्स हैं उनकी पार्टी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये फीडबैक दिया जा रहा है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं, वहां 10-11 राउंड के बाद अभी काउंटिंग रोक दी गई है, बड़ा आरोप सुबह भी हमने देखा था जयराम रमेश की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके ये दावा किया जा रहा है। उम्मीद कर रहा है इस वक्त कुछ तरफ से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ किस्मों की, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, इवन मजहबी मामलात में भी बीजेपी ने यहाँ के लोगों के मामला पे इंटरवेंशन किया, तो लोगों के दिल में एक ख्वाहिश थी, बहुत देर से वो चाहते थे कि इस मुसीबत से हम आज़ाद हो जाएं, इससे नजात मिले हमें, और आज जो वर्डिक्ट उन्होंने लोगों ने दिया ये बीजेपी की उस पॉलिसीज के खिलाफ है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने, बावजूद इसके कि काफी दबाव था उनके ऊपर, काफी दबाव होने के बावजूद भी उन्होंने बीजेपी की इस डिविसिव पॉलिसी और इस जो हेट पॉलिटिक्स का जो उन्होंने एक नया मंजर
शुरू कर दिया था उसके खिलाफ वोट दिया, और इसलिए इस जीत के मुबारकबाद जो है मुस्तहिक जो है वो अमूमन सारे जम्मू कश्मीर में आवाम है, बिलखसूस जो मेरी बात आप कर रहे हैं तो शालटेन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग। खरा साहब, जो 5 MLA नॉमिनेट किए गए हैं, क्या लगता है उनको कितना फर्क है? मेरे हिसाब से तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक कदम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये इसको एग्रीमेंट करने की साजिश पहले से ही रची थी, वो एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने की एक नफेरियस डिजाइन था, और उसका अगर जो मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता हूँ तो वो इसलिए कहता हूँ कि इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। तो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है जब प्रेसिडेंट के को ऐसे आर्बिट्रेरी हकूक नहीं मिले हैं, आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं मिले हैं, तो एक यूटी के एलजी को ऐसे पावर्स कैसे दिए जाए।